सुनते हो नेताजी? शहर है जनाब, यहाँ सुबेरा सूरज से नहीं किसी के दीदार से होता। दीदार से बात याद आई कि आज हम लोग सुबह निकल चुके हैं कानपुर के ऐतिहासिक पार्क में, जहाँ हमसे मिलेंगे मॉर्निंग वॉकर्स और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके हालचाल और उनके नेता के हालचाल और साथ में उनके क्षेत्र की दशा के आधार सुबह टहलते हुए खूबसूरत सी हवा का आनंद लेते हुए। और साथ में हमारे साथ होंगे कुछ मॉर्निंग वॉकर्स जिनसे हम आज मिलेंगे। चलते हैं बात करने। सुनते हो नेताजी? चलिए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ मॉर्निंग वॉकर्स से और जानेंगे उनके हालचाल, साथ में बात करेंगे शहर का हाल क्या है। भैया क्या नाम है आपका? हरिओम पांडे। हरिओम पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह का माहौल में टहलने का एक अलग ही आनंद है। आज हम भी आप लोग के बीच आ गए हैं और साथ में बात करेंगे। ये बताइए कैसा चल रहा है कानपुर? कानपुर ठीक चल रहा है, लेकिन तमाने से विकास कार्य जो रुके हुए हैं। कैसे, आप किस विधानसभा से आते हैं? तो आर नगर से आता हूँ मैं। आर नगर बोले कि अपना विधायक कौन है? अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ वाजपेयी, सुर्खियों में रहने वाले हमारे विधायक श्री अमिताभ वाजपेयी जी की, आप विधानसभा से आते हैं, क्या दिक्कतें हैं शहर में? डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है कि हमें? आप विधानसभा की बात पूछेंगे, शहर की पूछेंगे? देखिए, शहर और विधानसभा आपके क्षेत्र में सब आ जाएगा। जी जी, पूरा शहर समा जाता है एक विधानसभा में, बस उतनी बता दीजिए। नहीं, विधानसभा में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर की बता दीजिए। लेकिन बारिश की वजह से जो बजरियां उखड़ी हैं रोड की, वो मोटरसाइकिल चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, उससे धूल उड़ रही है। मतलब ये कोई ठेकेदारों की लफड़ा है? नहीं नहीं, पुराना काम में कुछ ऊपर नीचे है, उसकी वजह से लफड़ा है। लेकिन जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हो, वो तो झमाझम साहब ये बात बताइए भैया कि क्या कहते हैं कि हम चुनाव आ रहा है जी, विधानसभा चुनाव है, सारे नेता निकल लिए और सारे मीडिया कर्मी भी धक्का मुक्की में आ गए और बस पूछने लगे अपने अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ला का हाल। तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से जो चुनाव आ रहा है कैसा होना चाहिए? क्या सरकार यही रहनी चाहिए या फिर बदल देनी चाहिए? नहीं, हमसे पूछेंगे तो हम अभी 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 बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली यहाँ पर है। जिस सिलेंडर को लेके ये रोते थे, वो सिलेंडर 400 से 950 हो गया है। तो और पेट्रोल 70 रुपए का था, तो सब जगह कूनफान मचाते थे, वो 100 के ऊपर हो गया। कड़वा तेल 100 रुपए में था आज से 1.5 साल पहले, आज 200 रुपए का हो गया है। तो सरकार अभी बदल देनी चाहिए, लेकिन चूंकि चुनाव पहले बदल नहीं सकते हम लोग, बैठा लिया है हमने, नहीं आम जनता ने बैठा लिया है। कोई भी आदमी धर्म की बात ये लोग करते हैं, राजनीति करते हैं। अरे आप विकास की बात करो, काम की बात करो। अब तालिबान टीवी में दिखाया जा रहा है, तालिबान से हमें क्या मतलब? तालिबान से क्या मतलब? हमें हिंदुस्तान से मतलब है। अच्छा। तुम वही मंदिर मस्जिद 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 क्या रखा भाई, काम को काम की मतलब बात करो। मतलब जनता चाहती है विकास। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र गुप्ता। धर्मेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए आपके हिसाब से सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? सुबह सुबह इस चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी क्योंकि हम क्षेत्र के नागरिक हैं, शहर हमारा है, शहर का विकास भी हमारी तरफ से होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही रहनी चाहिए? हमारे हिसाब से पहले तो हमारे क्षेत्र विधायक बहुत बढ़िया हैं, विधायक नंबर एक का विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, ऐसा विधायक मिले नहीं। क्या बात है अमिताभ वाजपेयी जी, आपके लिए बहुत बढ़िया शब्द मिला कि आप बहुत बढ़िया हो, थैंक यू। और बताइए, और बाकी गुप्ता जी बताएंगे? नहीं, गुप्ता जी तो बताएंगे, दूसरे गुप्ता जी तो बता दे पहले। अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वाजपेयी जी आएंगे। अच्छा, वाजपेयी जी आएंगे? हाँ जी। अच्छा चलिए, वाजपेयी जी आएंगे। हाँ जी। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखे जाते हैं? अखिलेश यादव जी को।
आप वाजपेयी जी के साथ पूरी टीम चाहते हैं और क्या है? हाँ जी, मतलब योगी जी से कोई दिक्कत है? हमें योगी जी से नहीं दिक्कत, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी होना चाहिए बस। मतलब योगी जी भी रहे और मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी रहे, युवा है युवा। योगी जी तो और युवा है, अरे तो छोटे हैं भाई, एक साथ छोटे बड़े मतलब नहीं। अखिलेश जी ने कितने काम करवाए, आप देखिए मेट्रो चालू करवाई, ये चालू कर, सब तो उन्होंने काम कर शुक्ला के लंचवा के सारे क्षेत्र में चमन कर दिया। जनता जनार्दन चाह रही है कि थोड़ा सा बदलाव चाहती है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, मतलब पक्का लॉक कर दें? हाँ जी हाँ जी। भैया गुप्ता जी आप बताइए, तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो पीछे, बहुत बढ़िया जरा सा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बताइए साहब, आप किस तरह की सरकार चाहते हो? बुआ पसंद है, भतीजा पसंद है, या फिर हमारे योगी जी पसंद है? नहीं, बुआ भतीजा ये सब तो आपस में मिलते हैं, फिर मिलते तो सभी हैं। हाँ। वो खाली राजनीति, खाली से अपनी रोटी सेकने के लिए। अच्छा। लेकिन काम कोई नहीं करता है। काम जो हुआ है देखिए, मेट्रो कितनी तेजी में काम हुआ। ये तो कह रहे अखिलेश भैया लाए मेट्रो। अब नाम उनका था और हाँ। काम वो लेना चाहते, श्रेय वो ले रहे। कौन? ये योगी सरकार। मतलब अच्छा, योगी सरकार ने काम, हम ये पिलर है तो वही लगवाए हैं, ये सारा काम नींव तो उन्हीं की रखी हुई है। अच्छा। और इनको जो है अब तक जो है चालू हो जाना चाहिए, लेकिन वो अरे कई तो नवंबर में शुरू कर रहे हैं, आप नवंबर में घूमोगे मेट्रो? पब्लिक का ध्यान भटका रहे हैं ये लोग। मतलब मामला गुप्ता जी बड़ा गड़बड़ है। क्या नाम है चाचा आपका? गुप्ता जी महेश। गुप्ता जी क्या बात, हमें लग रहा पूरे फूलबाग में गुप्ता जी छाए पड़े हैं। गुप्ता जी ये बताइए हमें कि क्या चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं कि वही चल रहा सब चलन दो? अरे भाई देखो, आदमी आम पब्लिक बहुत अब फालतू साले 2 रुपया किलो चावल बांट रहे हो, इसका मतलब अनाज तो खूब पेट के बट रहा है। आजकल कोई भूखा मर रहा है बताओ, गरीब भी हो ये वो उठाला पकौड़ी और कच्चा है, वो तो मोदी ने बनाई है ना, वो सब खाई है। लेकिन जो आम पब्लिक में मतलब मान लिया, पब्लिक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे भाई अब रेट जो 3,000 में खाना पीना हो जाता था महीने का, अब 5,000 लगता है। अरे सरकार ने इंक्रीमेंट भी तो खूब लंबे क्या इंक्रीमेंट करा है? अरे सरकारी नौकर को झनक के पैसा मिल रहा है। अरे कुछ नहीं मिल रहा सरकारी सब का बातें हैं। तो आम पब्लिक जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस मैन है, वो तो मजे जा रहे हैं। चलिए हमने मान लिया बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है, आपके हिसाब से बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? अब भैया जो बन जाए वो ठीक है, इनको फूलवा में दौड़ा के थोड़ा बनाया जाए भाई। ये तो बताइए ऐसे, देखिए अच्छा हो जाए। आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हो हमसे भाई, कोई दौड़ा के हम तो बनाएंगे नहीं, ये बता दो कौन बढ़िया है नजर भाई। देखिए ऐसा है, हमारा कोई राजनीति से मतलब, अरे हमारी भी कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हमारा खाली बस ये है कि मतलब आम पब्लिक बन जाए मुख्यमंत्री, रेट सही रहे, हर चीज खाने पीने का कुछ दाल वगैरह देखो, दाल वगैरह देखो कितनी महंगी है, हर चीज तो महंगी का, तो क्या सस्ता व्यापारी व्यापारी पूरे व्यापार नहीं कर पा रहा है, आए दिन कानपुर सबसे ज्यादा टैक्स ही है, टैक्स दे रहे हैं और फिर भी साले मरे जा रहे हैं सब, मतलब मारे जा रहे हैं। पारिवारिक बनेगा तो परिवार का दर्द होगा ना, इन्हें क्या मतलब साधु संन्यासी बने घूम रहे हैं मटका लेके, परिवार का दर्द तो पारिवारिक होगा, जिसका जीवन होगा, इसके बाल बच्चे होंगे वो जानेगा ना कि महंगाई क्या होती है, वो जानेंगे। अभी तो इनके ऊपर घपला नहीं लगा, मतलब क्या तो यही है भैया, परिवार से जोड़ रहे हैं तो हमने कहा परिवार है अगर, मतलब जो पारिवारिक आदमी है तो घपला करा करता है ज्यादातर। आप अरे कैसी बात करें, चाचा घपला करते घर में, चाचा इतने घपला करते हैं, चाचा इतने घपला करते हैं, घपला चाचा, चाचा ये बता दे रहे हैं आपको कहीं घपला हुआ है घर में? घपला की बात नहीं है, अरे हमारा मतलब जो आदमी 3,000 में खाना खा, चाचा सामने बता दो बिल्कुल, मतलब आपने कहना है सरकार से इनका ये निवेदन है कि भैया विकास तो हो रहा है साथ में महंगाई में पूरा नहीं पड़ पा रहा, नहीं पड़ पा रहा, मतलब कि विकास तो होना है। अच्छा आपके हिसाब से विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, मतलब विकास से संतुष्ट है? हाँ हाँ, विकास सरकार यही, सरकार सुबह सुबह का माहौल है ये बताइए, सरकार यही चाहिए कि बदल नहीं चाहिए? नहीं सरकार नहीं बदलनी चाहिए, कम से कम अनुशासन तो है। अच्छा अनुशासन, आज चेन स्नेचिंग आपको सुनाई पड़ रहा है, ये बात आप कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे से यहाँ टहलने लोग आ रहे हैं, कोई डर नहीं है, सबसे ज्यादा महिलाएं देख रही हैं, बिल्कुल बेखौफ आ रहे हैं, तो मतलब कोई रहनी आप जल्दी पहले भी आती थी महिला, हमेशा आती आती थी, हमेशा
लाइन टूटी है बता दो ना। अरे आप मिलवा दें चल के, आप क्या बात नहीं नहीं ये है कि सबसे सबसे बड़ा महंगाई मिलने वाले महंगाई, आदमी भूखों मर रहा है, विषय है जो महंगाई, बाकी विषय बात का है। अब दलगत से उठ के बात करिए ना, अब सामान लेने जाना, जो एक लीटर जो कड़वा तेल लेता था आधा लीटर ले रहा है, आप बताओ आप भी बदवाई खाओ। कुछ दिनों बाद हमें तो लग रहा है, कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि सैसे में आएगा छोटा छोटा तेल। हाँ बिल्कुल, एक रुपए के पाउच में बैठेगा। हाँ रोटी के ऊपर सीसी ऐसे हिला दो, इधर बताओ कैसे लगेगा रोटी के ऊपर। अरे रोटी के ऊपर सीसी काली चला दो, क्या बात, बस इतनी रगड़ तो काम चल जाएगा। ओके बढ़िया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कानपुर के ऐतिहासिक पार्क जिसे कहते हैं फूलबाग, वहाँ पर बैठे हैं, मॉर्निंग वॉकर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, और कैसा विकास होना, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, क्या नाम है आपका? आरती मिश्रा। आरती मिश्रा जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? अच्छी हैं। सुबह से घर से निकलने के बाद आनंद आता है? पहले ही बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगता होगा। वहाँ जाके चौका पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे कम से कम सुकून तो है। हुँ, हुँ, अच्छा बच्चे आजकल विद्यालय तो जा नहीं रहे, जा और रहे, जा रहे, शुरू हो गया तो टेंशन फ्री हो गई। मतलब बच्चे तो बिल्कुल घंटों की तरह पिटते थे दिन भर। चलिए ये बताइए, क्या रसोई में भार ज्यादा पड़ रहा है? नहीं, महंगाई नहीं हो रही है? अरे उधर गुप्ता जी ने तो मैं सूद दिया कि साहब महंगाई भरी पड़ रही है, अब तो सैसे में तेल आएगा। मतलब आप महिला हैं, आप गृहिणी हैं, आप बिल्कुल सही बताएंगी कि रसोई में क्या महंगाई ज्यादा लग रही है? हाँ थोड़ी बहुत तो बढ़ी रही, थोड़ी बहुत उसके हिसाब से इंक्रीमेंट बढ़ रहा है लोगों का। चलिए छोड़िए, क्या करते हैं, महंगाई तो चलता रहेगा। हम लोग ये बात करते हैं, ये बताइए आपकी बार किसकी सरकार? योगी सरकार। सही बताइए, गुप्ता जी अद्धा लिए खड़े हैं हमको मारने के लिए। नहीं नहीं, वो तो मोदी की सरकार, अब की भी मोदी की सरकार। अच्छा मुख्यमंत्री बुआ जी को बनाते हैं अब की बार? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ऐसी क्या बात है, महिला का नहीं साथ देंगे आप? वो साथ उसका देना चाहिए ना जो प्रोग्रेस को दिखाए। मतलब प्रोग्रेस, गुप्ता जी सुन लीजिए, देखिए प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस तो हो रही है। तो आप चाहते हो आपकी बार योगी सरकार? पक्का? आप योगी के काम से संतुष्ट हैं? जी पक्का। पक्का लॉक कर दें? लॉक। ऐसा कोई काम बताइए जो योगी जी ने किया हो आपको बहुत अच्छा लगा हो? सभी काम अच्छे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, मैं सिर्फ इस बात पे बात करूं। ये तो बात है, जैसा कि लोग कह रहे थे कि अब चैन स्नैचिंग वगैरह नहीं हो रही, पहले होती थी, चोर गरीब हो गए। जी चोर गरीब हो गए, चोर गरीब हो गए। तो मतलब कि क्या कहेंगे आप बताइए एक बार फिर से, चलते चलते हम आपसे बात करेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी सरकार बढ़िया है? योगी सरकार बढ़िया है। आप बताइए योगी, योगी को योगी। मतलब लॉक कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, योगी की सरकार में आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। महंगाई लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा, कोई बात नहीं है, आगे महंगाई का कुछ कुछ दिक्कतें भी होती है तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं हर चीज सरकारों में। अच्छी अच्छाइयां क्या लगी आपको? बहुत है, जैसे कि अनगिनत। अरे महिलाओं के लिए योगी सरकार ने कुछ काम किया है? बहुत काम किए हैं आप लोगों को दिख मतलब, सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित। आप अकेले घर से निकल सकते हो? क्यों नहीं निकल सकते, आजकल देखिए ये नंबर डायल करिए, आपके लिए पुलिस हाजिर है, ये नंबर डायल करिए, कुछ भी। हाँ अभी तक जरूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़े शायद, प्रभु की कृपा रहे। हाँ, तो आप लोगों को वही कह रहे हैं, और शायद जरूरत भी ना पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए कि हम लोग अब की बार योगी सरकार। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, कैमरामैन अतुल जी के साथ में आज हम लोग सुबह से मॉर्निंग वॉकर से मिल रहे हैं और बराबर उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या हाल है उनके शहर का। और मॉर्निंग वॉकर के साथ चलते चलते हम पहुंच गए कानपुर के प्रसिद्ध मोती झील में। मोती तो हमें दिखे नहीं मगर झील जरूर मिली, और झील में पहली बार हमें बढ़िया सी मछली देखने को मिली, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ के प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे, बहुत बढ़िया लगा मोती झील में, और मैं यहाँ के लोगों से भी बात करूँगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सुबह सुबह माहौल ये है कि मछलियों का दाना डालने के लिए भी यहाँ पे कुछ लोग आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत पुण्य का काम करें। क्या शुभ नाम है आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी आपका जेएमडी में बहुत स्वागत है। ये कब से ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हमें लग रहा है कि मोदी जी ने इतना मछलियाँ थी तो नहीं? नहीं, बहुत दिन से। बहुत दिन से मतलब काफी समय से? हाँ, मैं लगभग 10-12 साल से धोई रहा हूँ। 10-12 साल से मछलियाँ हैं। क्या बात, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आत्म शांति लगती है, बहुत बड़ी लगता है। तो शर्मा जी ये बताइए, कानपुर का विकास कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई सरकारी खातों में हो रहा है, मतलब सरकार वैसे भी मतलब जो नजर आता वही पब्लिक देखेगी। बिल्कुल, आम जनता है वो तो बोलेगी भाई, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपका नेता कभी आपसे मिलने आता है? कोई नहीं, विधानसभा चुनाव आ रहा है। हाँ तब आएंगे, तब मतलब क्या कहेंगे आप? तब बस घर की देरी खोद लेंगे, मतलब घर की, मतलब ऐसी मोहब्बत जुटाएंगे कि पड़ोसन क्या जानेगी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो आप क्या कहना चाहेंगे नेताओं को, क्या शिक्षा देना चाहेंगे? शिक्षा आम जनता, इसलिए मैं कहूँगा कि भाई देखिए 5 साल बाद आते हैं, अगर रोज कभी कभी मिलते रहो, अपने अपने क्षेत्र में घूमते रहो, तो शायद विकास ऑटोमेटिक हो जाता है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे क्षेत्रीय नेताओं में एक मेरे सभासद हैं महेंद्र तिवारी। महेंद्र तिवारी जी, क्या बात, एक वो व्यक्ति ऐसा है, उसको रात को 12 बजे बुलाओ, वो तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा लेकिन हाजिर हो जाएगा। अच्छा, इसलिए वो बराबर सभासद है। मतलब कितने साल हो गए? हुए 4-5, 5-6 बार, हाँ 5-6 साल बार से ज़्यादा। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बार किसकी सरकार आपके हिसाब से? देखिए आ रहा है चुनाव, आना तो बीजेपी की चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं बीजेपी चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है। माहौल क्या चल रहा है भाई? एक तो वो प्रचार में पैसा बहुत खर्च करते हैं बीजेपी, जैसे कि आपका टीवी न्यूज आया, तो मतलब आना चाहिए प्रचार करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उससे तो यही लगता है कि 100% वही है। अच्छा, मतलब बातों में। हाँ बात। और हमारे साथ ये दो युवा खड़े हैं साथी हमारे बीच, अभी हमने देखा कि ये यहाँ पे बतखों को दाना दे रहे थे। बहुत ही सम्मानजनक बात है कि युवा बदल रहा है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? अब बस यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहें, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ बहुत परिवर्तन आ रहा है कि युवाओं के मन में सब भावना खत्म होती गई है। बताइए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कह सकते हैं। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। रितिका। रितिका जी, क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पे? एक एजुकेशन कंपनी में जॉब करती हूँ, एडटेक, ग्रेट लर्निंग। वेरी नाइस। कानपुर में? नहीं, बैंगलोर में। बैंगलोर में, बहुत अच्छा। कानपुर में आने पे कैसा लगता है? ये अपना घर है? जी जी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बहुत अच्छा मजा आ जाता है। कानपुर की अपनी अलग ही पहचान है। आपका, आप भी बैंगलोर में? हाँ हाँ। आप साथ में रहते हैं? हाँ हाँ। क्या बात है, हम लोग ब्रदर कहते हैं, भाई बहन साथ चलते नहीं, मैं कभी नहीं चल पाया। हम लोग अगर आधे किलोमीटर में चल गए होते ना तो पूरे क्षेत्र को मालूम पड़ जाता कि बवाल शुरू हो गया। मगर बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ी खुशी है कि आपके पास ऐसे संस्कार हैं कि आप साथ में चलो। ऐसा नहीं, मेरे भी संस्कार थे मगर हम लोग की लड़ाई ज़्यादा हो जाती थी, ज़्यादा हम समझते हैं, हम समझदार हैं, भाई बहन में अक्सर ये होता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं और दोनों कमज़ोर भी नहीं होते, जब चाहे सुताई हो जाए। खैर हम कहेंगे कानपुर के लिए आपको कितना प्रगति लगी, कितना विकास लगा, कितना चेंजेस हो, क्या चाहती हैं? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, मेट्रो डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट स्पेस अगर हम बेंगलोर से कंपेयर करें तो कानपुर प्रगति कर रहा है कि बहुत स्लो गति में कर रहा है? आई थिंक अभी रिसेंटली काफ़ी जल्दी गति से प्रोग्रेस हो रही है कानपुर में, डेवलपमेंट्स आर वेरी फास्ट। अगर हम रोड्स की बात करें या फिर हम ओवर ब्रिज जो हो रहे हैं उनकी बात करें या मेट्रो डेवलपमेंट बात करें, रिसेंटली पार्किंग, ये पार्किंग स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट शहर बन रहा है, आपका शहर स्मार्ट हो रहा है, क्या कहेंगे आप? I think this is very good because बैंगलोर में हर चीज़ ऐसे ही है, everything is digital, everything is quick, everything is handy. अगर आप नए हैं उस शहर में तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। I think same thing is happening now in कानपुर। तो हाथ पकड़ के पहुंचा देंगे हमारे मोहल्ले, तो बहुत ही बढ़िया है। I think वो बैंगलोर में नहीं मिलेगा, ये recent नहीं मिलेगा। I think this is culture of UP and we should always nurture this। जितना स्मार्ट हो जाए, हमारा कनपुरी अंदाज होता है कि हम आपको बड़ी मोहब्बत से घर तक छोड़ आएंगे, बातें करते करते। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोहब्बत भी मिल रही है कानपुर, मोहब्बत का शहर के नाम के साथ साथ। अच्छा बेंगलोर और कानपुर में अगर हम माने कि क्या मेगा डिफरेंस लगता है? आई थिंक वो एक जॉब हब है, आईटी हब है बैंगलोर। क्या आप नहीं चाहते हो कि आप बेंगलोर से कानपुर में भी ऐसा व्यवस्था हो जाए कि आप क्यों इतनी दूर में पड़ी हैं? बिल्कुल, भाई माँ बाप की याद आती है, पेरेंट्स की याद, तो आप सरकार से क्या कहेंगे इसको भी हब बनाओ? हाँ आई थिंक कानपुर इज ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया। कानपुर में कोई ऐसा मजबूत जॉब नहीं है कि आपने एमबीए कर लिया या एमसीए कर लिया या कोई बड़ी डिग्री ले ली उसके बाद आपको 10-12 हज़ार की नौकरी मिली तो जिंदगी बेकार है। तो ये आदमी अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जाता है, ये तो दर्द आप जानते हो। मगर क्या आप कानपुर वासियों, कानपुर के विधायक और कानपुर के मंत्रियों के लिए कुछ सजेस्ट करेंगी कि कुछ ऐसा करें कि हम लौट आएं, हम जैसे सारे बच्चे लौट आएं? आप हमारे, आपके रहने से यहाँ सम्मान बढ़ेगा। आप बैंगलोर प्लीज कम आइए, आइए आइए, बिल्कुल मेरे पास आइए।
क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ तिवारी कहाँ रहते हैं? मैं फजलगंज। फजल क्या करते हैं? मैं ड्यूसी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। क्या लगता है कि कानपुर में नौकरी मिलेगी? पता नहीं। माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप को छोड़ने का दर्द क्या होता है ये आप हमारे बेहतर जानते हैं। राइट राइट। कैसा लगता है? आई थिंक अगर यहाँ पे भी 15-20 साल हमने गुजारे माँ बाप के साथ, अचानक उनके हाथ से हमारा साया उनका हट जाता है और अकेले जीवन यापन करना पड़ता है। तकलीफ बहुत होती है। माना कि पैसा आ रहा है, माना कि पैसा आ रहा, मगर अगर तकलीफ दोनों को हो रही है, उनको भी हो रही है, हमको भी हो रही है। उन्होंने जिस चिड़िया को पाला है वो अचानक उड़ गई मात्र चंद रुपयों के लिए, यही हम कह सकते हैं। मगर क्या हो, पैसे के लिए। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है ना। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो दुनिया है, पैसा है तो जिंदगी है। तो आप कानपुर की जनता के लिए और कानपुर की जनता के लिए सरकार से क्या कहेंगी? आई थिंक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस कैसे हो? सबसे जरूरी एम्प्लॉयमेंट जो कि नहीं है, आने वाली विधानसभा चुनाव शुरू हो रही है, आपके वालों यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, लोगों आपसे बात भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी, आप क्या कहेंगे? सरकार का जोर पे स्केल में भी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे स्केल तो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा बढ़ा है, प्राइवेट में भी बढ़ा है। प्राइवेट ये तो बढ़ा है ना, प्राइवेट में नहीं। साल तो दो साल से इसलिए नहीं बढ़ता था, कोरोना काल में ये शायद बढ़ा हुआ है। बट डेफिनेटली बढ़ा दिया है अभी। अप्रूव नहीं किया गवर्नमेंट ने शायद, हो जाएगा जब बढ़ रहा तो हो ही गई। अप्रूव किया अभी अभी सितंबर के एंड में शायद बोला था। तो अब आप ये बताइए कि अगर आई टी कंपनीज की बात करें तो कानपुर में आई टी कंपनीज का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है और ज्यादा ज्यादा कंपनियां स्कोप बढ़ रहा है। स्कोप बढ़ रहा है मतलब आपके तरफ से देश बदल रहा है, शहर बदल रहा है, कानपुर भी हमारा स्मार्ट हो रहा है। राइट राइट। बट जैसे कि वो कह रहा है कि आईटी कंपनीज अभी यहाँ पे उतनी नहीं है। आई थिंक ही लैड। अच्छा, अगर हम कहें कि कानपुर में व्यवस्थाएं बढ़िया हो रही तो क्या आप आ जाओगे? बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल, अगर वही पैकेज मिले उससे बढ़िया पैकेज मिले तो हर खींच चलाएगा ना। भैया मैं मंत्रियों से यहाँ कहूंगा, इन प्यारे प्यारे बच्चों के तरफ से, कि घर बुला लो यार, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे हब्स खोल दो कि ये लोग वापस आ जाएं, अपने पेरेंट के साथ रहें। बहुत सब प्यार मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सी दुआएं मिलेंगी। कानपुर यार डेवलप हो जाओ, ठीक है ना? थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आज सुबह मॉर्निंग वॉकर के साथ टाइम बिताएंगे और साथ में पूछेंगे कानपुर में क्या बदल रहा है, कानपुर कैसा चल रहा है, कानपुर की क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें बदलना चाहते हैं और कैसे नेताजी उनसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमारे भी कुछ युवा बुजुर्ग हैं जो स्मार्ट बॉय की तरह लग रहे हैं, डेली सुबह मॉर्निंग वॉक करने मोती झील आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर जायसवाल। जायसवाल जी, आपका जेएमडी में बहुत स्वागत है। आपकी आवाज़ में बहुत दम है। आपने क्या बढ़िया तरीके से एक बार फिर से बोल के बताइए। भाई जय हरिओम। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। जय हरिओम की जय हो, सभी भगवान की जय हो। और एक चीज हम आपसे पूछना चाहिए, ये क्या आने वाली पीढ़ी करेगी? करेगी तो, क्योंकि जब आने वाली पीढ़ी हमें लगता है बिगड़ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, करेगी। चाचा आप क्या कहोगे? सुने तो, जब हम भी पहले जवान थे तो हम भी सोचते थे सब बकवास की चीज है, मगर अब हमें लग रहा है आपके समय और अब के समय बड़ा परिवर्तन है। पहले एक संयुक्त परिवार रहा करता था, एक परिवार सम्मिलित रहता था, चाचा ताई ताऊ छत पे बैठ के खाना खाते थे। आज वो समय नहीं है। नहीं, एक चीज बताए, वो समय फिर आ रहा। कैसे? बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं हम अकेले होकर यहाँ बीमार पड़ते, कुछ पड़ते, कोई इसीलिए वो परिवार की तरफ फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आएंगे, उनका समय आएगा। नहीं, बिल्कुल आएंगे। अब भाई आपका बच्चे ने एमसीए कर लिया, अब उसको लगता है मुझे 1,00,000 पैकेज चाहिए। कानपुर में तो बनिया की दुकान में 1,500 तनख्वाह मिलती है, क्या करें? तो कानपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे बताइए? देखिए, कानपुर में हर चीज है। क्या बात, यानी मोहब्बत का ये शहर है ना, मगर मोहब्बत से पेट तो नहीं पलता। नहीं, पेट तो नहीं भरेगा। तो यहाँ के नेता को तो करना पड़ेगा, बताइए कैमरे को। यहाँ के नेता है तो देखा जाए, कानपुर के नेता सब बेकार है। हरिओम, कोई काम नहीं करना चाहते। हरिओम हरिओम, बस क्या बात है। नहीं तो नेताओं से काम तो हमें कुछ कराना पड़े, क्योंकि हम ही तो उन्हें, अगर हम उनको देते हैं ताज तो खोलेंगे हम उनके हर राज। तो भैया हम बताएंगे नहीं तो डरेंगे जी। आप बताइए जरूर कि नेताओं से क्या चाहते हैं कानपुर के लिए? नेताओं से ये चाहते हैं कि पहले जो चीजें जो हमें हमारी जरूरत के पहले क्या जरूरत? जैसे पानी की है, नहीं व्यवस्था बिजली की है। बिजली तो बहुत आ रही है। अरे भैया, बिजली आ रही है, अब आ रही है। पानी की है, पानी चले जाइए, अब
है ही नहीं घरों में, बीसो हम रहते कारवाला नगर में कम से कम 5 साल से बिल्कुल पानी नहीं आया हमारे उधर। पानी की व्यवस्था बड़ी भ्रष्ट हो गई, बिल्कुल। तो ये तो भाई नेताजी की गलती है, ना सफाई है ना पानी है। अरे क्या बात कर रहे, मोदी जी सफाई के परेशान है। अरे मोदी जी परेशान है ना, मोदी जी के परेशान होने से अरे प्रशासन तो नहीं परेशान है। अरे क्या बात है मोदी जी, ये बताइए सरोज भैया कि आपके हिसाब से सरकार कोई काम कर रही है कि नहीं? देखिए भाजपा सपा से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने शहर से मतलब होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए शहर से। भाई विधायक आता जाता रहे, 5 साल की नौकरी हम लोग देते हैं। देखिए आपने जो पूछा भाजपा सरकार काम कर रही कि नहीं, ये सरकार, हाँ ये सरकार, ये सरकार आपको दिख रहा है सड़कों पे काम जी। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समस्या है बिजली पानी और सड़क। सड़कों का आपने भी देखा कि पूर्व में भी इतना निर्माण हुआ है, अभी केशव प्रसाद जी मौर्य आए थे भी, उन्होंने भी बहुत सड़कों के लिए अनुदान दिया है। जो बची खुची सड़कें हैं, क्योंकि मेट्रो का कार्य चल रहा है तो कहीं खुदाई चल रही, हम उन जगह की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस है, डेवलपमेंट होगा थोड़ा डिस्टर्ब। बाकी आप ये मान लीजिए कि कहीं कोई, भैया एक बात, जायसवाल साहब जी कह रहे थे कि भैया वो दर्शन प्रमुख उनकी 2-3 पीढ़ी रह चुकी है पानी की समुचित व्यवस्था, गुप्ता जी कहिए, गुप्ता जी हम गुप्ता जी कह रहे हैं कि भैया 3-4 पीढ़ी हमारी गुजरी है यहाँ से और हम भी 3री पीढ़ी के सदस्य हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क सुचारू रूप से काम नहीं करे क्योंकि लेबर वहाँ पे ज्यादा रहते थे, क्या ऐसा कुछ है, कुछ पार्शियलिटी होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई गुप्ता जी, बिल्कुल गुप्ता जी की बात से हम असहमत हैं। गुप्ता जी कह रहे हैं क्योंकि गुप्ता जी ये, गुप्ता जी बताइए आप बताइए क्या कह रहे हैं भाई, मैं वहाँ रह रहा हूँ इसलिए हमें मालूम है। मतलब आपके हिसाब से क्या, हमारे गुप्ता जी से पूछिए क्या वहाँ पे, क्या वहाँ पे, क्या क्या वहाँ पर पाइप पानी पूरे शहर में आ रहा है वहाँ पे काट दिया जा रहा है? हाँ। वहाँ की टंकी बनी खड़ी है, पानी टंकी वो बनी खड़ी है, कम से कम कहाँ पे खड़ी है, दर्शन पुरवा पानी टंकी कहलाती है, बहुत मशहूर है, चंदेल वाली गली में उसके सामने है, आज तक वो चालू नहीं हुई है, पाइपलाइन ने बिछा दी गई। हम कह रहे हैं पानी टंकी चालू अगर नहीं हुई, क्या पुरानी टंकी से पानी आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नहीं आ रहा था कि नहीं आ रहा, नहीं आता है, बहुत कम आता है, बस पानी आता है बहुत कम, ये सब नहीं हुआ, नहीं है फ्लो में, मतलब नहीं है कम का मतलब क्या, दिन में एक बार आता है, दिन में दो बार आता है 24 घंटे में। देखिए आपको मालूम है सरकारी नियम है सुबह शाम पानी आता है, और आज के समय में हर व्यक्ति ने अपने यहाँ प्रेशर के लिए मोटरें लगा रखी है, वो वाटर, तो आप ये बताइए आपका जो घर किनारे पड़ता होगा तो इसमें सरकार की कहाँ है, मोटर या सबमर्सिबल कराने से पहले परमिशन लेनी पड़ती, कोई कोई ले रहा है, हर आदमी तो अपना कर रहा है, और सरकार हमारा जहाँ जाओ खोजो, वही मैं कह रहा हूँ, आपने अपने आप स्वीकार लिया कि पानी आ रहा, हमारी बताओ देश मेरा मोहल्ला मेरा शहर मेरा, नहीं सही बात है, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, लेकिन ये है कि सार्वजनिक पानी यूज करे तो खुदाई कम हो, पानी की एक समस्या अवगत नहीं हो, पानी का मेन कारण सुन लीजिए आपको बता रहे क्या है, है क्या गंगा बैराज से एक अल्टरनेट लाइन डाली गई थी, वो लाइन चालू नहीं हो पाई, दूसरी बात जल संस्थान से जो लाइन जाती थी मेट्रो के चक्कर में उसका कई जगह जो है खंडन हो गया, डैमेज हो गई लाइन, इस चक्कर में पानी की समस्या पूरे शहर भर में है, लगभग अभी एक साल रह गया, ये आज डाली यार हमारा कारोला घर में तो 5-6 साल से पानी नहीं है, आपको उसका रीजन बता रहे हैं, हम आपको उसका बेसिक रीजन बता रहे हैं, गंगा बैराज से एक अल्टरनेट लाइन भी कैसा मांग के ले, जायसवाल साहब स्थिति यह है कि जो पूर्व सरकारों ने पाइपलाइनें डाली आपके कारवालो नगर की समस्या में मालूम है, पूर्व सरकारों ने जो पाइपलाइन डाली उसको चालू कराने की पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन उतनी डैमेज लाइनें हैं कि अब उसका पूरा बजट आएगा, एक तो लगना पूरा उसका बजट आएगा, फिर से उसकी लाइनें ठीक कराई जाए, पूरी खुदाई होनी है। आप पहले पानी कैसे हमारे 3 मंजिले तक जाता है, पहले इतनी आबादी प्रेशर नहीं कम हो गया, पहले आप बात समझिए, अरे विधायक चाहे जिसका हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा का काम होना तो चाहिए, बम्बी को लिख के देंगे, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पक्का काम होगा, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं? नहीं तो ये थे हमारे साथ आज कुछ युवा और साथ कुछ युवा बुजुर्ग और हमसे बात कर रहे थे कानपुर के लिए, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जेएमयू की तरफ से, चलिए चलते हैं किसी और विधानसभा में, थैंक यू वेरी मच। सुनते हो नेताजी बात कर रहे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।